हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके नहीं परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि जिन्होंने इग्नू में जनवरी 2023 में एडमिशन लिया है उनके असाइनमेंट और एग्ज़ाम कब होंगे, तो इसको लेकर आज की वीडियो होने वाली। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिन्होंने इसी साल जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है और जो बिल्कुल नहीं जानते कि अब होगा क्या हमारे साथ आगे, तो उन सभी के लिए आज की वीडियो होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो देखिए, इग्नू के अंदर जो एडमिशन होते हैं वो सेमेस्टर और ईयर वाइज दोनों बेस होते हैं, तो दोनों की मैं एग्ज़ाम की अपडेट आपको दूंगा। इसके अलावा आपके जो असाइनमेंट है वो कब तक होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी न्यू स्टूडेंट के लिए जिन्होंने इग्नू में एडमिशन लिया है। सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, कॉलेज अपडेट नाम ही काफ़ी है, सब्सक्राइब कर लो और टेंशन मुक्त हो जाओ, ठीक है? सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा लाइक कर देना वीडियो अच्छी लगी। देखिए, जिन्होंने अभी जनवरी में एडमिशन लिया है, चाहे आपने फरवरी में लिया हो पर जनवरी सेशन बोला जाता है और अभी भी एडमिशन कंडक्ट हो रहे हैं, मतलब एडमिशन चल रहे हैं अभी भी, बट जिन्होंने एडमिशन ले लिया जिनका आईडी कार्ड आ गया, उन सभी के असाइनमेंट कब होंगे तो मैं आपको बता दूँ, आपके जो असाइनमेंट है वो अगस्त से सेप्टेम्बर के बीच में सबमिट होंगे। जी हाँ, सबमिट होंगे, ठीक है? मतलब कि आपको जुलाई से असाइनमेंट बनाना अपना स्टार्ट कर देना है और सेप्टेम्बर में आपके असाइनमेंट सबमिट होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर एग्ज़ाम की बात कहूँ तो जनवरी 2023 सेशन के जो एग्ज़ाम है न्यू एडमिशन के, वो सारे एग्ज़ाम आपके सर्दियों में होंगे, यानी सर्दियों में कब? दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में जब अंधेरा बहुत जल्दी हुआ करेगा, जब क्रिसमस पास होगा तब जाके आपके एग्ज़ाम चलते हैं और ये एग्ज़ाम दिसंबर से लेकर जनवरी तक कंडक्ट होते हैं, यानी सर्दियों में आप एग्ज़ाम देने जाओगे। ऐसी सर्दी जहां आपके हाथ काम नहीं करेंगे, हाथों में पेन होगा, देन उसके बाद भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज, तो दोनों के जो एग्ज़ाम है वो आपके दिसंबर में ही कंडक्ट होंगे, चाहे आपका सेमेस्टर हो चाहे आपका ईयर वाइज हो। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, और कोई अपडेट होगी जरूर बताऊंगा। आज के लिए नहीं, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।